प्रॉपर्टी के कागज गलती से भी खो जाएं, तो लाख कोशिश करके भी आप ये साबित नहीं कर पाएंगे कि फला प्रॉपर्टी आपकी ही है, भले ही आपने उस प्रॉपर्टी के लिए लाखों रुपए क्यों ना खर्च किए हों। इतना ही नहीं, प्रॉपर्टी के कागज अगर गलत हाथों में पड़ जाएं तो आप अंदाजा भी नहीं लगा सकते कि आपके साथ कितना बड़ा फ्रॉड हो सकता है। इसलिए जैसे ही कागज खोने का पता चले, लापरवाही किए बिना फौरन जरूरी कदम उठाएं। अगर आपके भी प्रॉपर्टी के कागज खो गए हैं तो आपको सबसे पहले दो काम करने होंगे। पहला है, ढंग से कागज की तलाश करें। इसके लिए पुलिस की मदद ले सकते हैं और अखबार में विज्ञापन भी दे सकते हैं। इसके बाद भी अगर पेपर ना मिले तो डुप्लीकेट पेपर बनाने का काम करना पड़ता है। आइए आपको पूरी प्रक्रिया समझाते हैं। जैसा कि हमने थोड़ी देर पहले भी बताया, अगर प्रॉपर्टी रजिस्ट्री के ओरिजिनल कागज खो जाएं तो सबसे पहले नजदीकी पुलिस स्टेशन में FIR कराएं। पुलिस आपका कागज ढूंढने का काम शुरू करेगी। अगर तय समय के अंदर प्रॉपर्टी के कागज नहीं मिलते हैं तो पुलिस नॉन ट्रेसेबल सर्टिफिकेट जारी करती है। इस सर्टिफिकेट में लिखा होता है कि पुलिस ने कागज ढूंढने की कोशिश की लेकिन डॉक्यूमेंट नहीं मिला। इसके बाद पुलिस से FIR की एक कॉपी लेकर अपने पास रख लें और दूसरी कॉपी रजिस्ट्रार ऑफिस में जमा कर दें। यहाँ कागज देते हुए आपको सब रजिस्ट्रार को ये बताना भी होगा कि आपका ओरिजिनल कागज खो गया है और आपने इसकी FIR कराई है और ये रही कागज की कॉपी। इसके बाद दूसरा काम होता है अखबार में विज्ञापन देना। इसके लिए कम से कम दो अखबार में विज्ञापन देना जरूरी होता है। पहला अखबार इंग्लिश का होगा और दूसरा अखबार आपके स्थानीय भाषा में छपने वाला। विज्ञापन में प्रॉपर्टी की डिटेल देते हुए लिखना होगा कि इसके कागज खो गए हैं और उस प्रॉपर्टी पर आपका मालिकाना हक है। अगर किसी को इस प्रॉपर्टी के दस्तावेज मिलते हैं तो मेरे पते पर लौटा दे, या अगर कोई उस प्रॉपर्टी पर अपना दावा करना चाहता है तो विज्ञापन छपने के 15 दिनों के अंदर दावा पेश कर सकता है। 15 दिनों तक इंतजार करें, उसके बाद रजिस्ट्रार या सब रजिस्ट्रार के ऑफिस में जाकर डुप्लीकेट सर्टिफिकेट के लिए आवेदन दे सकते हैं। अब यहाँ से शुरू होता है डुप्लीकेट पेपर बनवाने का काम। इस पेपर के लिए स्टैम्प पेपर पर नोटरी वाले प्रॉपर्टी अंडरटेकिंग की जरूरत पड़ेगी। इस अंडरटेकिंग में प्रॉपर्टी की डिटेल, खोए हुए कागज की जानकारी, FIR की डिटेल और कागज खोने को लेकर अखबार में जो विज्ञापन दिया है वो सब कुछ इसमें बताना होगा। इस अंडरटेकिंग पेपर पर नोटरी अधिकारी के साइन भी होंगे। साइन करने वाला अधिकारी ये गारंटी देता है कि कागज में दी गई जानकारी सही है। आपकी प्रॉपर्टी पहले जिस रजिस्ट्रार ऑफिस में रजिस्टर थी उसी ऑफिस में इस अंडरटेकिंग फॉर्म को जमा कर दें। ये फॉर्म जमा करने के बाद रजिस्ट्रार ऑफिस में डुप्लीकेट पेपर के लिए आवेदन दे सकते हैं। इसके लिए भी आपको FIR की कॉपी, अखबार वाला नोटिस और नोटरी वाला अंडरटेकिंग जमा करना होगा। इस काम के लिए प्रोसेसिंग फीस के नाम पर कुछ चार्ज भी देना पड़ सकता है और फीस और फॉर्म जमा होते ही सब रजिस्ट्रार ऑफिस आपके दस्तावेजों की डिटेलिंग में जांच करेगा। डॉक्यूमेंट वेरीफाई होते ही आपका एप्लीकेशन मंजूर हो जाएगा। प्रक्रिया पूरी होने के 15 से 20 दिनों के अंदर अंदर आपको प्रॉपर्टी के डुप्लीकेट पेपर मिल जाएंगे। अब सवाल उठता है कि अगर बैंक की गलती से प्रॉपर्टी के पेपर खो जाएं तब कौन जिम्मेदार होगा? अगर बैंक की गलती है तो आप बेफिक्र हो सकते हैं। दरअसल ऐसी स्थिति में प्रॉपर्टी के कागज वापस दिलाने की पूरी जिम्मेदारी बैंकों की होती है। बैंक ना सिर्फ कागज दिलवाने में आपकी मदद करेंगे बल्कि इस काम में जो भी खर्चा आएगा उसकी भरपाई भी बैंक ही करेंगे। हाल ही में इस संबंध में RBI को एक हाई कमेटी पैनल ने कुछ सुझाव भी दिए हैं। इसमें कहा गया है कि अगर बैंक किसी ग्राहक की प्रॉपर्टी के पेपर खो दें तो इसके बदले उन्हें ग्राहकों को जुर्माना भी देना चाहिए। उम्मीद करते हैं प्रॉपर्टी के पेपर से जुड़ी यह जानकारी आपको पसंद आई होगी। मेरा नाम है उपासना और पर्सनल फाइनेंस से जुड़े वीडियोज़ के लिए देखते रहें द ललन ब्लॉग। शुक्रिया।